तो फ्रेंड्स एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर भी शेयर पढ़ाना। तो फ्रेंड्स आज अपने चैनल पर मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूं जो असिस्टेंट एफएमई मैनेजर है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं और अभी गल्फ में काम कर रहे हैं, बहुत सालों से गल्फ में काम कर रहे हैं। उन्होंने कैसे होटल लाइन ज्वाइन किया और उन्होंने कौन सा कोर्स किया था, कौन सा डिप्लोमा या डिग्री किया था, और वो अपना आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आप बने रहिए लास्ट तक, ये वीडियो कब स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो आपको जो नॉलेज उनके द्वारा मिलने वाली है, जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आपको वो नहीं मिल पाएगी। हो सकता है वो आपके फ्यूचर में काम आए। और वो हम लोग क्या क्या एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीज सीखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पेट से सीख के आया है। तो अब बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू आज के। तो मिस्टर महेंद्र सिंह एज ए असिस्टेंट एफएमई मैनेजर मेरे साथ में काम कर रहे हैं और गल्फ कंट्री में वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो आज मैं उनका इंटरव्यू करने वाला हूं। और एफएमबी में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर जो भी एफएमबी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता है, सर्विस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता है, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस चैनल पे मालूम आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और आज मिस्टर महेंद्र सिंह का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे वो, कि उन्होंने कैसे होटल में जॉब लिया और होटल मैनेजमेंट करने की उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली और कब उन्होंने किया, और आज की स्थिति में वो कौन से पोजीशन पर और कहाँ काम कर रहा है, कितनी उनकी सैलरी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए। तो वेलकम मिस्टर महेंद्र होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पे। आपको जैसा कि मालूम है ये मैं फर्स्ट इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, तो प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ डिड यू ज्वाइन द होटल इंडस्ट्री और आपने कोर्स कहाँ से किया, तो आप बताइए प्लीज मेरे फ्रेंड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली एज यू गाइस नो, मिस्टर शेफ राणा ही इन्फॉर्म दैट माय नेम इज महेंद्र एंड आई फ्रॉम आई बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली शेफ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2013 से। ओके, सो मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था, कॉलेज का नाम था भारत इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। सो मैंने एक साल का डिप्लोमा किया था। ये कहाँ पे पढ़ता, कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जी। तो मैंने एक साल का डिप्लोमा किया था होटल इंडस्ट्री में। तो एक्चुअली एक साल के डिप्लोमा के बाद फिर मैंने 6 मंथ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बेंगलोर में किया था, एट्रिया होटल में, जो कि आपका 5-स्टार होटल है बेंगलोर में। बेंगलोर में जी। ओके, तो वहाँ पे 6 मंथ का ट्रेनिंग फिनिश किया, फिर उसके बाद हम लोगों का पहला जॉब, मेरा पहला जॉब वहीं पे लग गया था बेंगलोर में एक्चुअली। सो मैंने अपना कैरियर एक्चुअली 2013 में स्टार्ट किया था एज अ सर्वर। तो आपको होटल ज्वाइन करने को कहाँ से लगा कि मेरे को होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा आपको कैसे महसूस हुआ होटल लाइन में आने के लिए? एक्चुअली सर, अगर सच बताऊँ तो एक्चुअली मैंने, जैसे मैंने 12th क्लियर करके मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था एज अ BA। ओके, सो मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में क्लियर कर चुका था मैं, और फर्स्ट ईयर में मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि मैं अपना, मेरा ये टाइम पास हो रहा है, एक्स्ट्रा एमबीए का टाइम पास है कॉलेज, तो बेटर टू बी नॉट गो टू एनी कोर्स, बेटर टू बी डू समथिंग एल्स। सो उसके हिसाब से मेरा एक फ्रेंड था जो कि पहले से ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट कर रहा था। ओके, तो उसी के हिसाब से मैंने मेरे फ्रेंड से थोड़ी सी एडवाइस ली, उन्होंने बताया कि ये ऐसा सा कोर्स है, आपका 1 साल का कोर्स है, ज़्यादा डिग्री भी नहीं है, जो आपका 2 या 3 या 4 साल का रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर उनकी एडवाइस से मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 1 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद भी आप ये होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी है कि आप 3 ईयर या फोर्थ ईयर जो कोर्स होता है वो कंप्लीट करें। आप 1 ईयर डिप्लोमा करने के बाद भी होटल लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं होटल इंडस्ट्री में। तो मिस्टर महेंद्र, आपको अब्रॉड में कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितना टाइम हो गया आपको अब्रॉड में? एक्चुअली सर, मेरा ये ऑलमोस्ट 5 ईयर्स रनिंग है अब्रॉड में। सो मैं ऑलमोस्ट 5 साल से काम कर रहा हूँ अब्रॉड में एक्चुअली। 5 साल आपके कंप्लीट हो गए अब्रॉड में, और टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है? टोटल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 7 ईयर्स सर। 7 ईयर्स, तो आप देख सकते हैं 7 ईयर में आप एक असिस्टेंट एफएमबी मैनेजर बन सकते हैं। बनने को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी असिस्टेंट और मैनेजर बन सकते हैं, ये सिर्फ आपकी कैपेसिटी, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो
मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने होटल लाइन ज्वाइन किया उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था उसमें आपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ये होता है, हमें गाली दी जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके बारे में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे फ्रेंड्स को। एक्चुअली सर, मैं सच बताऊं तो जो 6 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहता है आपका कोर्स करने के बाद, और कुछ इंस्टीट्यूट में रहता है कि आपका स्टडी होगा और स्टडी के बीच में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। बट जो मेरा इंस्टीट्यूट था, जो मेरा कॉलेज था, हम लोगों का डिप्लोमा फिनिश हुआ कि उसके बाद 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भेजा गया। तो जो आपका 6 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहता है वो आपका बहुत टफ ट्रेनिंग रहता है एक्चुअली आपको ट्रेन करने के लिए। उसमें आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे आपको काम करना पड़ता है और आपको बहुत फोर्स करते हैं काम करने के लिए। आपका कई बार कंटिन्यू ड्यूटी लग जाता है सुबह से लेकर रात तक, फिर सुबह फिर जाना है आपको उठ के। तो मतलब जो ट्रेनिंग रहता है, जो आपको 6 महीने का पीरियड रहता है, वो बहुत टफ रहता है एक्चुअली। तो उसमें आपको हमेशा ये सोचना है कि हमको 6 महीने का जो 6 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना है वो कैसे ना कैसे करके फिनिश करना है। अगर आपने बीच में कहीं पे क्विट कर दिया तो मतलब आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। तो जिसने वो 6 महीने का ट्रेनिंग क्वालिफाई कर लिया और 6 महीने का ट्रेनिंग जिसने फिनिश कर लिया, तो उसको फ्यूचर में आगे वो जॉब आना बहुत ईजी रह जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहला सीढ़ी आपने अगर इजीली और थोड़ा हार्ड वर्क वहां कर लिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस होने वाले होटल इंडस्ट्री में, राइट? जी बिल्कुल सर। क्यों, एक राय देना चाहता हूं कि कभी भी जो आपका 6 महीने का इंडस्ट्री का जो आपका ट्रेनिंग है 6 महीने का, 6 महीने का, आप प्लीज उसको बीच में ना छोड़े, कभी उसको पूरा करें। बेशक आपके ऊपर कितना भी प्रेशर हो, आपको 12 घंटे 14 घंटे आपको 16 घंटे आपको काम करा दिया जाएगा, आपको 6 महीने निकालने कैसे ना कैसे, बट आगे का फ्यूचर आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आज आगे की जॉब आपको करने के लिए बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हर चीज आपको सिखाई जाती है। अगर वो आपका बेस वहां से मजबूत नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी जी बिल्कुल सर। क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आगे आप मानो आपने अगर ये स्किप कर दिया और कुछ नहीं सीखा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, मौज ले ली आपने और बाद में मौज आपको लेंगी, यानी अभी तो आप मौज ले रहे हैं, बाद में मौज आपको लेने वाली है। तो इसका मतलब यह है स्टार्टिंग के 6 महीने आप इतना हार्डवर्क कीजिए कि डबल से भी ज्यादा सीख लें, जो कि आपके फ्यूचर में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है और इससे ही आपका फ्यूचर निर्भर है। और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि बीच में जो लड़के 6 महीने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है उसमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं? सर, कारण आपका ये रहता है कि 14 घंटे, 15 घंटे और 16 घंटे, कई बार 20 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, तो शायद उनसे ना हो पाती है इसलिए छोड़ देते हैं। तो जो आपका बस इतना ही होगा कि मतलब जो आपका 14, 15, 16 घंटे वो कंटिन्यू भी नहीं रहता है, 2-3, 4 दिन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपका वो 12 घंटे, 12 घंटे तो नॉर्मल रहता है एक्चुअली आपका इंडिया में, इंडिया की बात करें ट्रेनिंग के पीरियड में ओनली। जी, तो की बात करें तो इंडिया में तो एक नॉर्मल है 14 घंटे, 12 घंटे, बिल्कुल नॉर्मल है। तो अभी आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? जब तो आपने ट्रेनिंग किया था 12 घंटे, 14 घंटे, बहुत हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करने के बाद में आज आप ये पोजीशन पर पहुंचे हो, तो अभी आपका ड्यूटी टाइमिंग क्या है गल्फ कंट्री में? एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 9 घंटे ड्यूटी रहता है, 9 आवर्स ड्यूटी, जिसमें आपको 1 घंटा ब्रेक भी मिलता है। सो कुल मिला के आपका 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है आपको और फिर 1 घंटा आपको ब्रेक मिलता है, सो टोटल 9 आवर्स। तो यानी कि जो हार्डवर्क आपने पहले किया उसका फल आपको अभी मिल रहा है, राइट? क्योंकि आपने इतना मेहनत किया और उसके बाद में अभी आप आराम कर रहे हैं, यानी कि जो 5, 6, 7 साल एक्सपीरियंस आपने किया तो वो काम करके किया, अभी आप जो एक्सपीरियंस है वो लड़कों को दे रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी जो असिस्टेंट एफएमई मैनेजर का एक सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा गल्फ कंट्री में? गल्फ में बताया जाए सर, 1.5 लाख से स्टार्ट रहता है, 1.5 लाख, एक्चुअली 1 लाख से ऊपर बोला जाए तो 1 लाख से स्टार्टिंग रहती है, डिपेंड करता है आपकी कंपनियों के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, प्लस एक्सपीरियंस आपका मायने रखता है और आपका कंपनी मायने रखती है। तो आप मान लो कि 1,25,000 से स्टार्टिंग रहती है आपकी एज असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, तो मैं ये क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा कि जो मेरे फ्रेशर भाई है वो होटल लाइन आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहें? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अफवाह फैला के रखी है बहुत सारे फ्रेंड्स ने
कि होटल इंडस्ट्री बहुत गंदा है, बहुत सारी गालियां दी जाती हैं और कभी भी यहाँ प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे, प्रमोशन कैसे ले सकते हैं और यहाँ पर गाली गलौज भी आज की डेट में भी सीनियर लोग बोलते हैं क्या? सर अगर इसकी बात की जाए तो ये तो हमने भी बहुत सुना है, काफ़ी कुछ सहा है, तो एक्चुअली लाइफ में हमें एक्चुअली पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। मतलब एक टाइम आता है आपका जब आपको पोजीशन मिलेगी, जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक पोजीशन मिलेगी। वो अब हो सकता है उसमें आपको एक साल लगे, हो सकता है दो साल लगे, हो सकता है तीन साल लगे, बट अगर आप पॉजिटिव हैं और आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक दिन वो पोजीशन जरूर मिलेगी। बिल्कुल, तो आपने इंडिया में भी काम किया और अभी आप गल्फ कंट्री में भी काम कर रहे हैं, तो दोनों के क्या क्या अंतर आपको देखने को मिला? इंडिया में जो आप एफएनबी में काम किया सर्विस में, वहाँ क्या अंतर था और यहाँ गल्फ कंट्री में जो काम कर रहे हैं यहाँ क्या अंतर है? ओके सर, एक्चुअली मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था सिर्फ इंडिया से, सो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली तीन ईयर के आसपास काम किया, थ्री ईयर्स। सो उधर का एक्सपीरियंस और अगर आप अब्रॉड का एक्सपीरियंस कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंस है। एक्चुअली इंडिया में आपको काम करना पड़ता है 12 घंटे 14 घंटे काम करना पड़ता है, प्लस आपका जो सैलरी पैकेज है, पैकेज रहता है वो भी कम है, बहुत ज़्यादा कम रहता है। आपका एकोमोडेशन नॉट एट मच गुड कंपेयर टू अब्रॉड, वो भी इतना सही नहीं रहता है। और अगर आप अब्रॉड की बात करें आपका सैलरी 3 गुना 4 गुना ज़्यादा रहता है। अगर आप ड्यूटी आवर्स की बात करें तो 9 आवर्स ड्यूटी है, 9 घंटे से 9 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करवा दिया जाएगा। अगर आप करना भी चाहते हैं तब भी आपसे काम नहीं करवा दिया जाएगा। अगर कंपनी को ज़रूरत है आपको 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाने की तो उसका आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलता है, एक्चुअली उसका एक्स्ट्रा पेड किया जाता है। प्लस आपका जो एकोमोडेशन मिलता है कंपनी से वो आपका एकदम एकोमोडेशन मिलता है एक्चुअली, प्लस उसमें आपका वाईफाई रहेगा, किचन रहेगा, गैस रहेगा, सो मेनी फैसिलिटीज रहती है एक्चुअली। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो बंदा इंडिया में काम कर रहा है और वो बंदा अगर यहाँ आके काम करेगा 3 से 4 गुना सैलरी ले सकता है। और फैसिलिटी के मामले में जैसे अकोमोडेशन की बात की इन्होंने, तो जैसे कि इंडिया में एक 2-स्टार होटल होता है, यहाँ पे सेम अकोमोडेशन मिलता है 2-स्टार होटल की तरह, उसका कैटेगरी 2-स्टार में हम लोग बोल सकते हैं। इंडिया में हम लोगों को कहीं कहीं, मैंने भी काम किया तो वहाँ पर कहीं कहीं तो बेड भी नहीं देते थे सोने के लिए, तो हम लोग चादर बिछा के, जब स्टार्टिंग का बात है तो मोस्टली मेरे को तो बहुत ईयर हो गया आपको मालूम है गल्फ कंट्री में काम करते हुए, यानी कि जो काम करते हुए आप इंडिया में नहीं ले सकते वो यहाँ काम करते हुए हर चीज़ 4 गुना पा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन गेट जॉब इजीली इन अब्रॉड, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यही क्वेश्चन मेरे को बार बार पूछ सकते हैं, पूछते भी रहते हैं कि हम लोग अब्रॉड में जॉब इजीली कैसे ले सकते हैं, कंसल्टेंसी के थ्रू या और किसी सोर्स के थ्रू, तो आप इस पर कुछ मेरे फ्रेंड्स को बताएं। जी जी बिल्कुल सर, एक्चुअली अगर आपको जॉब अगर अब्रॉड में करना है तो एक्चुअली आपको कंटिन्यूसली आपको सर्च करना पड़ेगा आपको जॉब के बारे में। आप कंसल्टेंसी को फॉलो कीजिए जो आपकी फेसबुक पर रहती है, बट मेक श्योर कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करें कंसल्टेंसी के बारे में, कि कोई फेक ना हो या कोई फ्रॉड ना हो, तो मेक श्योर कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो अगर जॉब आपको चाहिए तो कंसल्टेंसी के थ्रू ही आपको बेटर रहता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां रहती है जो फ्रॉड होती हैं, फ्रॉड रहती है, प्लस जॉब पाने के लिए कंसल्टेंसी के थ्रू आपको थोड़ा पैसा भी कम देना पड़ता है। अगर आपको कोई एजेंट मिलता है तो आपसे एजेंट आपसे बहुत से पैसे हड़प लेता है एक्चुअली एजेंट के थ्रू, बट अगर आप डायरेक्ट कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो वो भी थोड़ा पैसा लेते हैं एक्चुअली, बट वो थोड़ा पैसा कम लेते हैं। और कई बार होता है कि जो आपकी जॉब्स आती है वो एक्चुअली फ्री वीज़ा रहती है, तो उस टाइम आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, आप फ्री में आप जॉब ले सकते हैं। तो यही है कि आप कंसिस्टेंसली आप गूगल पे सर्च करते रहिए, जी गूगल पे और कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए, उन पर चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको वो जॉब्स वगैरह डालते रहते हैं तो वहाँ से आपको इजीली जॉब मिल जाएगी एक्चुअली। बिल्कुल, क्योंकि आपको आपने भी देखा होगा बहुत सारे फ्रेंड्स के पैसे ऐसे डूब जाते हैं, बहुत सारे फ्रॉड कंपनियां होती हैं, कंसल्टेंसियां होती हैं, तो वो लोग क्या के पैसे मांग लेते हैं और बाद में कुछ भी काम नहीं होता, अब्रॉड वगैरह का कहीं नहीं जाते, फ्रॉड होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि पहले आप देख लें कि वो कंसल्टेंसी जेन्युइन है या फ्रॉड है, 2-4 लोगों को पूछें, उसने किस किस को भेजा है उसको पूछें, तो ये सारी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, कहीं फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ जाए। बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ भी गए। तो मिस्टर महेंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से कौन सा अच्छा कोर्स है और हमें प्रमोशन किसके बेस पर मिलता है होटल इंडस्ट्री में? ओके सर, एक्चुअली डिग्री इज बेटर बिकॉज आपका डिग्री 3 साल का या 4 साल का रहता है और डिप्लोमा आपका 1 साल का भी हो सकता है और आपका 2 साल का भी रह सकता है। बिल्कुल, होटल मैनेजमेंट एक्चुअली, तो मैंने तो कोई डिग्री नहीं किया था एक्चुअली, उस टाइम पैसे इतने थे नहीं। अब बिल्कुल, पैसे की वजह से मैं डिग्री नहीं कर पाया 3 ईयर्स का और 4 ईयर्स का, सो मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया था एक्चुअली। सो अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है सो डिग्री इज़ अ गुड ऑप्शन, बट मैं ये भी कहता हूँ कि आप अगर डिग्री है और आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा फ्यूचर में, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं जी, ये आपके डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आप कैसा काम कर रहे हैं, आपने क्या सीखा और आप मतलब कैसा आप काम कर रहे हैं एक्चुअली, वो सब कुछ मायने रखता है। सो डिग्री एंड डिप्लोमा एक एजुकेशन के हिसाब से सही है कि आपने डिग्री किया है तो आपके पास प्लस पॉइंट है और डिप्लोमा किया है तो डिपेंड करता है आपके आप कैसा काम कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक्चुअली। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब ये है होटल लाइन में ये मायने नहीं रखता, अगर आपने एंट्री ले लिया कि डिग्री किया है डिप्लोमा किया है, आपको एंट्री करने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आपने डिग्री किया है तो सबसे पहले आपको एंट्री मिलेगी क्योंकि आपके 3 ईयर का कोर्स है और उसमें आपको सारे डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज दिया गया कॉलेज के थ्रू, सारे बेसिक चीज़ें सिखाई गई हैं। क्योंकि 3 साल और 1 साल का करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा 3 साल में। और अगर प्रमोशन की बात करें, आप जैसे कि मिस्टर महिंदर ने बोला कि ये सिर्फ आपके परफॉर्मेंस, हार्डवर्क और पेशेंस और आपके कंटिन्यूस हर चीज जो आप गोल एक तय करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी कि डिग्री डिप्लोमा पर डिपेंड नहीं करता होटल में ज्वाइन करने के बाद में, राइट? आप यही बोलना चाहते हैं ना? जी जी। तो आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो कि मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, तो आपको मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू और मिलते हैं मैं भी नेक्स्ट फ्यूचर में। और भी कुछ आपको पूछना है मिस्टर महिंदर से जो F&B के बारे में तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं, कमेंट्स अपना लिख सकते हैं, उसका जब रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप मेरे फ्रेंड्स को लास्ट में? एक्चुअली थैंक यू सो मच है, आपने मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी दिया है बोलने के लिए और मेरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एक्चुअली मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप एज अ होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एक पेशेंस होनी चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म्स में रहना है, प्लस आपको बी पॉजिटिव होना पड़ेगा एक्चुअली होटल इंडस्ट्री में। अगर आप पहले से स्टार्टिंग से ही आपको ऊपर प्रेशर दे जाएगा और आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म्स पे आप टिक नहीं पाओगे एक्चुअली, इट्स अ ट्रू। बिकॉज मैं अगर मैं बात करूँ मेरे बैच की तो हम लोग एक्चुअली कम से कम 20 लोग थे मेरे बैच में, तो जिसमें से लोग 5 और 6 लोग अभी तक जॉब कर रहे हैं, बाकी सब लोगों ने छोड़ दिया एक्चुअली जॉब। सो आपको एज अ होटलियर में होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा एक्चुअली, कंटिन्यू काम करना ही पड़ेगा जी, तो पेशेंस होना पड़ेगा। मैं एक चीज और बताऊंगा, मिस्टर महिंदर ने अपना YouTube चैनल बनाया है, नया चैनल अभी कुछ ही वीडियो डाले हैं, कुछ 4-5 दिन से डाला है, तो आप अपने चैनल के बारे में बताइए कि कौन सा चैनल है और उस पर आप कौन से टाइप की वीडियो डालते हैं, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं फ्रेंड्स हैं वो भी वहां जाके देख सकते हैं। जी जी गाइस, सो मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्चुअली वो चैनल से आपके अभी जैसे करंटली मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो सऊदी अरब के बारे में वो वीडियो मिलेगी आपको, सऊदी अरब के प्लेसेस, द एडवेंचर प्लेसेस, सऊदी अरब में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हो, सऊदी अरब में कौन कौन से मॉल है घूमने के लिए, सो दिस इज अबाउट द प्लेसेस ओनली। ओके, आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मिस्टर महिंदर के चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अभी नया है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, इंटरव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्यूचर के लिए जो कि आपको मालूम है, मोस्टली पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए जो कि फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।